भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गजब का कई महीनों के बाद सन्नाटा दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और विधानसभा के बीच महज एक 60 फीट की सड़क है। जनता अपने मत का प्रयोग करके अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है। इंतजार 10 मार्च की तारीख का है, जब ईवीएम खुलेंगे और नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 250 से लेकर 325 सीटों तक मिलने का अनुमान लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद नेताओं की अपनी तरह से जो ग्राउंड की रिपोर्ट रही है, उसका भी एक तकाजा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि वो सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने जा रही है। इसी को लेकर पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक अहम बैठक दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हो रही है और आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा हो रही है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।